नमस्ते, मैं हूँ सीमा और मैं आज बात करने वाली हूँ पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, पावर ऑफ कॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड एक छोटे बच्चे की जैसे है, एक मासूम बच्चे की जैसे है। उसको जैसा बोला जाए वो उसको सही मान लेता है और अपने अंदर स्टोर कर लेता है। कितनी ही चीज़ें बचपन में होती हैं, कितनी ही चीज़ें पूर्व जन्म की होती हैं जो हमारे सबकॉन्शियस में स्टोर्ड होती है और जाने या ना जाने वो ट्रिगर हो ही जाती है। इस लाइफ में कोई सिचुएशन आता है और कभी हम प्लेजेंटली ट्रिगर होते हैं या कभी अनप्लेजेंटली ट्रिगर होते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड को जो हम कमांड देते हैं वो उसको मान लेता है। उसको बोलें कि तू बहुत खूबसूरत है तो वो मान लेता है। उसको चार बात बोलें कि तुम बिल्कुल अच्छे नहीं दिखते हो तो जीवन पर्यंत तक वो ले लेता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सबकॉन्शियस माइंड को कैसे कंडीशन किया जाए। सबकॉन्शियस माइंड को कंडीशन बचपन में तो जो भी बेचारे वो देखते हैं बच्चे उसको अपने अंदर उतार लेते हैं, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो अगर हम कॉन्शियसली सारी चीज़ों को करें तो उसको हम ट्रेन कर सकते हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये कहता है, मैंने बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव्स को, बिजनेसमैन को, एक छोटे से गार्ड को, मैंने सबको देखा है। उनके माइंड में कुछ ना कुछ होता है जिस पे वो ट्रिगर होते हैं। ये इमोशनल जर्नी है, फियर्स की जर्नी है, सक्सेस की जर्नी है, फेलियर की जर्नी है, दिस इज़ लाइफ। और इस सारे एक्सपीरियंसेस हम माइंड में, सबकॉन्शियस में स्टोर करते जाते हैं, क्योंकि हमारा माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एक बहुत बड़ा बैंक है जिसमें सारा डेटा स्टोर्ड रहता है। इतना सारा जिसको हम संभाल के रखते हैं, इतना संभाल के रखते हैं जितना तो हम अपना फाइनेंसिस को भी नहीं संभालते होंगे और उसको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। अब ऐसे इंसिडेंट मैं अपना बताती हूँ। परसों मैं एक सेशन ले रही थी, तो सेशन तो किसी और चीज़ का हो रहा था, लेकिन शी शेयर्ड विद मी कि दैट शी कैनॉट ड्रिंक मिल्क। अब मैंने सोचा, बोले मैं दूध पी नहीं पाती हूँ, मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाती हूँ दूध को। तो अगर कोई, उसने मुझे एक एग्जांपल दिया कि दूध को क्यों नहीं डाइजेस्ट कर पाती, तो उसने मुझे बताया जब भी मैं दूध पीती हूँ इनडाइजेशन हो जाता है, उसको वॉशरूम जाना पड़ता है। तो जब उससे बात करी तो कहानी गई उसकी 15 साल पहले, जब उसने बेबी डिलीवर किया था और बॉय गॉड्स ग्रेस वो फीड नहीं करा पाई। तो वो इस गिल्ट में थी कि वो अपने बच्चे को फीड नहीं करा पाई, तो उसने सारी जिम्मेदारी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ओढ़ ली, क्योंकि उसकी भाभी ने उसको फीड कराया था। पर उसको कहीं ना कहीं ये गिल्ट था कि मैंने नहीं करा। तो जब उसके सबकॉन्शियस माइंड को ये बताया गया कि ये तो नेचर की बात है, नेचर के हाथ में थी, तुम्हारे हाथ में तो कुछ नहीं था, और वो तब हुआ था और आज कुछ नहीं हुआ, और वो सारा ब्लेम कर रही थी अपने मदर इन लॉ और मदर के ऊपर कि उन्होंने शायद क्या खिलाते हैं, सौंठ या जीरा, वो खाने से इंडाइजेशन हो गया। तो मुझे ये लगा कि 15 साल से पहले जो चीज़ खाई हुई है आज इंडाइजेशन कैसे हो सकता है। तो मालूम पड़ा कि जो वो थॉट था उसने ऐसे स्टोर करके रखा गिल्ट का, कि जब भी दूध उसके सामने आता उसको लूज मोशंस हो जाते थे और वो पी नहीं पाती थी। एंड सरप्राइजिंगली उसने मुझसे शेयर किया कि उसने सारे मेडिकल टेस्ट करा लिए, उसने सब कुछ करा लिया, यहाँ तक कि एंडोस्कोपी भी करवा ली, लेकिन उसमें कुछ आया नहीं। तो जैसे ही वो जो थॉट उसने स्टोर करके बहुत संभाल के रखा हुआ था अपने पास, सहज के रखा हुआ था, जो कि उसको खुशी नहीं दे रहा था, वो अपने दूध से तो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं और वो अपनी लाइफ की बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पा रही थी, लेकिन जैसे ही वो निकाला वो एकदम हल्की हो गई। एंड शी इज़ हैप्पी, शी इज़ ड्रिंकिंग मिल्क, वो सब कुछ कर रही है। जैसे कि मैंने कहा कि हम बहुत सारी चीज़ों को जाने अनजाने में स्टोर कर लेते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसको हम निकाल के फेंक दें और प्रैक्टिसेस करें कि हम इसको कैसे फेंकें। तो अगर हम एक बॉल बना लें, इमेजिनरी बॉल बना लें, उसको देखें बॉल को, और एक इमेजिनरी ब्लेड लेके साइड से हम उस बॉल को काटें
उसमें ऐसे जो भी हमारे दिन भर के थॉट्स आते हैं उस बॉल में डाल दें हम, और उस बॉल को फिर स्टिच करके, इमेजिनरी स्टिच करके उसको यूनिवर्स की वॉयलेट लाइट में यानी ऊपर फेंक दें, तो वो थॉट हमारे चले जाते हैं। अब आप ये कहेंगे ऐसा कैसे होगा, आप करके देखिए, क्योंकि ये विचार है। जहाँ इसको पता पड़ता है कि हमने फेंक दिया, वो गलत थॉट हमने अंदर नहीं रखा हुआ है, वो चला जाता है। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है हम अपनी माइंड की क्लेंजिंग हर रात को सोने से पहले करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। प्लीज़ ट्राई इट एंड डू एवरी नाइट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू फॉर टुडे।